मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर वन दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दुल्हा हाउस, आपका अपना कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी, NABH प्रमाणिक अत्याधुनिक हॉस्पिटल। आज का दिन शहादत को नमन करने का दिन है। इस गांव की धरती में अनेकों लाल पैदा किए, फिर इन सबके बीच में कर्तव्य की बलबेदी पर चलते हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप का जो बलिदान है, मैं समझता हूँ युगों युगों तक उसको याद किया जाएगा। अभी मैं उनके परिवारजन से मिलकर आया हूँ। एक गमजदा परिवार में पिता ये कहे कि मुझे मेरे बेटे के काम पर, कर्तव्य पर गर्व है, और ईश्वर ने जब कभी मुझे और बेटा दिया तो मैं उसको इसी तरह कुलदीप बनाने की कोशिश करूँगा। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का वक्तव्य उस बाप के मुँह से सुना, उस पिता के मुँह से सुना, जो अपने लाडले नो निहाल के पार्थिव देह का इंतजार कर रहा है। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास के अंदर कुलदीप का कर्तव्य के बलबेदी पर किया गया एक काम और उनके सैन्य सेवाओं की जो सेवाएं हैं, इस देश के उत्कृष्ट पायलट के रूप में उनकी जो खूबी थी, उनके अधिकारी हमेशा जब कभी भी जोखिम का कोई काम होता था, उनके साथियों ने मुझे बताया कि उनको लेकर जाया करते थे, और जोखिम के साथ आंख से आंख मिलाना उनकी फितरत ही थी। आज इस प्रकार के अमर शहीद को नमन करने के लिए ये पूरा इलाका एक तरफ गमगीन भी है, दूसरी तरफ गौरवान्वित भी है। दोनों मुद्राओं के अंदर यहाँ लोग खड़े हैं, हम उनको नमन करने के लिए आए हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सर आप गढ़ाना पधारे हैं, कल तक खबर थी कि सतीश पुनिया जी भी गढ़ाना आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। मैं बहुत सारी शहीदों की अंत्येष्टियों में गई हूँ। मैंने पहली बार ऐसी जाबाज माता देखी जो इतनी बहादुरी से कह रही है कि मेरा बेटा उम्र तो थोड़ी लेकर आया है, लेकिन मुझे इतना बड़ा गौरव करने का अनुभव देखे गया है कि मैं बयां नहीं कर सकती। मेरी बेटी भी और मेरे पति भी देश की सेवा करते हुए अभी हैं, और बहू को भी मैं भेजूंगी आगे, और बहू भी देश सेवा करेगी। मैंने कमला जी जैसी माँ कभी नहीं देखी, और उनके पिता तो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे पर गर्व करता हूँ। यानी वो ऐसा बहादुर बच्चा था जिसने थोड़ी उम्र में सबके दिलों पर राज तो किया ही किया। जहाँ उसको मौका मिला, भले ही रेस्क्यू करने का मौका मिला हो, भले ही किसी को बचाने की बात हो, या बहुत VIP लोगों को इधर उधर ले जाने की बात हो, इतनी कुशलतापूर्वक उसने काम अपना किया है, उसको देख के बिल्कुल श्रद्धा से सर झुक रहा है। हालांकि मन बहुत दुखी है, आंखों में सबके आंसू हैं, लेकिन फक्र का अनुभव हर कोई कर रहा है। एक दुखद क्षण है शहीद कुलदीप राव के परिवार के लिए, गांव के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन भारत की सेना इसी तरीके के सैनिकों की सेवा और समर्पण और शहादत से दुनिया में एक नंबर की सेना है। कुलदीप राव की शहादत को भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि बहुत कम उम्र में इस शेखावाटी के सपूत देश की सेवा करते हैं, सीमा पर और सीमा के बाहर भी। तो हम सब के लिए एक दुखद घटना जरूर है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी है कि झुंझुनू जिले से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग या तो सेना में सेवा दे चुके हैं, सेवा दे रहे हैं। 500 से भी ज़्यादा शहादत ये बिरली धरती पर होती है, तो इस वीर प्रसूता भूमि को नमन करने भी आया हूँ। परिवारजनों को संबल मिले, मैं पार्टी की परिवार की तरफ से उनको संवेदना देने के लिए भी आया हूँ, और उस शहादत को भी नमन करने के लिए आया हूँ जिसने एक बहुत दुखद हादसे में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। हमारा शौर्य देश का बहादुर कुलदीप सिंह पायलट आज देश में नहीं रहा, लेकिन तिरंगा झंडे के साथ देश से शहीद हुआ है। मैं खुद दुख भी है और मैं खुश भी इस बात के कि शहीद हुआ और हमारे देश के लिए हुआ है। ऐसे बहादुर बहुत कम हैं जो देश के लिए अपनी जान को निछावर करते हैं, और कुलदीप तो एक 15-20 आदमियों की गिनती में आता था। अच्छे पायलट हैं देश के, उनमें
तो हमें फख्र है कि हमारा कुलदीप आज देश के लिए कुर्बानी दी है और तिरंगा लेके आए। 8 तारीख को जो ये एक्सीडेंट हुआ उसमें हमारे स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप समेत 13 सैनिक मौत को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, और उनमें से एक अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक निकले। कुलदीप हमारे गांव के थे और ये गांव आसपास के गांवों में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। इसके हर घर में 2 से 3 फौजी हैं, बहुत रिटायर्ड हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। ये एक ऐसा गांव है जिसमें 60 से ज़्यादा डॉक्टर हैं, IAS ऑफिसर्स हैं और बहुत ही प्रभावशाली गांव है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शहीद कुलदीप की आत्मा को शांति प्राप्त हो और भगवान उनके परिवार को काफ़ी शक्ति दे ताकि वो इस गहन सदमे से उबर सकें। वैसे शेखावाटी पूरा इलाका शहीदों का है और इसने अपने राष्ट्र के लिए बहुत बलिदान किए हैं और यहाँ के झुंझुनू ज़िले को तो आर्मी के अंदर या सैनिक के सेना के अंदर आम तौर से नर्सरी कहा गया है। बहुत ही बहादुर सिपाही यहाँ के हैं, इतना ही कहा था। हमारे को गर्व है कि हमारा पड़ोसी गांव का स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुआ है। भाई साहब बहुत ही होनहार थे, इनके पिताजी थे वो हमारे से 2-3 साल ही बड़े थे, हम सबके सब एक साथ इस ग्राउंड पे खेलते थे। उसके बाद में कुलदीप का जन्म हुआ और ये 5वीं क्लास तक हमारे गांव में यहीं पढ़े। उसके बाद में ये इनकी पोस्टिंग थी बॉम्बे, तो ये बॉम्बे लेकर के चले गए, वहाँ इन्होंने बॉम्बे में ही 10+2 करी। उसके बाद में IIT में वो हो गया इनका एडमिशन और एडमिशन होने के बाद में ये नेवी में एयरफोर्स में भर्ती हो गए, वहाँ ये पायलट बन गए। पायलट बनने के बाद में कभी कभी गांव आते थे 12-6 महीने में, तो गांव में बड़ा ही स्नेह था, बड़े अपने साथ वालों के साथ में काकी ताई जो भी मिलते थे इनको उनके सबके पैरों के चरण स्पर्श करते थे। वहाँ की हवाई जहाजों की ये गाड़ियों की बातें बताते थे कि भाई ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ता है ऐसे, गाँव में तो देसी भाषा होती थी, पूछते थे भाई कैसे हेलीकॉप्टर उड़ाता है बेटा क्या करता है, तो बड़े गर्व से बताता था कि मैं ऐसे तो हेलीकॉप्टर को उड़ाता हूँ, ऐसे इसको नीचे करता हूँ, ऐसे पहाड़ों में चलाता हूँ, ऐसे वहाँ से गांव मेरे को छोटे दिखते हैं, वहाँ से मेरे को तालाब दिखते हैं, ये वो सड़ी बातें बोलते थे। यहाँ चाची ताई जो भी भाभी जो भी थी वो खुश हो जाती थी और बड़ा ही हंस मिलनसार और बहुत ही अच्छे परिवार से था। यही पूरा गाँव दुखी उसमें जा रहा है और गाँव में ये पोजिशन है कि आज युवा बूढ़े गुजरे सब पशुओं तक भी सुनेड़ हो रही है इस गाँव में, ये मान लो कि क्या पता चलता प्रकृति का, वो बेचारा नहीं कर रहे, इतना दुख है। और रही बात पूरे इस समाज की, तो ये गांव हमारी ये धरती जिसमें आप खड़े हो ये बड़ी सौभाग्यशाली धरती है, इसमें हर बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है हर साल, चाहे वो शिक्षा में हो जाए, कभी कलेक्टर बन के लड़के आते हैं, कभी हमारे यहाँ गोल्ड मेडल बच्चियाँ लेके आती हैं, कभी यहाँ बहुत बड़े बड़े जो भी है मतलब वर्ल्ड लेवल के जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट कभी डॉक्टर को मिल जाता है, कभी आज ये हमारा सौभाग्य है कि शहीदों का शहीद इतने बड़े काम हो गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति तक को ये पता चल गया कि यह गढ़ाना खुर्द भी कहीं इस भौगोलिक स्थिति पृथ्वी पे है, क्योंकि इतने बड़े आदमी के साथ सही तो उसका पता चला, तो पहले हमारा भी पता चला कि गढ़ाना कुलदीप राव भी एक बहुत बड़ा गांव से बहुत बड़ी पवित्र धरती से और ये गढ़ाना खुर्द का नाम कर दिया। मतलब आज पृथ्वी के ऊपर जहाँ भी कोई मनुष्य है उसको सबको इसका नाम गढ़ाना खुर्द के साथ कुलदीप के साथ गढ़ाना खुर्द जुड़ गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और बहुत ही वो है कि हम तो भगवान से यही कर रहे हैं कि ऐसा होनार हमारे गाँव में हर घर में पैदा हो और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, चरणों में कदमों में उनको स्थान दे, ये हमारे गांव के लिए सबसे अच्छी बात होगी। हम इस यहाँ जो दास करके यहाँ मूर्ति लगाएंगे और लोग देवता की तरह आने वाली पीढ़ियां इस कुलदीप को पूजेंगी और कुलदीप देवता हो गया है आर बार इलाके का पूरे देश का। भगत सिंह सेकंड।